यो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं ग्रैनी चैप्टर 2, और इसके अंदर हम लोग करेंगे बोट एस्केप। तो बिना किसी देरी के चलते हैं गेम में। तो ये हम लोग उड़ गए हैं भाई बैट से ग्रैनी घर पे। भाई हम लोग आ चुके हैं, अब बस निकलते हैं ऊपर के लिए। चलो भाई, बिना किसी कुछ करे सीधे चलते हैं ऊपर। एंड नाउ खोलते हैं ये वाली ड्रॉअर और उसमें देखते हैं क्या है। खाली यार, एक तो ये खाली ड्रॉअर है ना, मुझे बहुत बुरा लगता है जब ये खाली नज़र आती हैं। तो चलो ये खोल के देखते हैं यहाँ पर क्या है। चलो इसको खुलने देते हैं, जब तक हम लोग यहाँ पर चेक कर लेते हैं यहाँ पर क्या पड़ा है। रेंच है, ठीक है। रेंच की तो अभी हमें ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे को अभी वेपन नहीं मिला है। बाकी देखना पड़ेगा कि ग्रैनी या ग्रैंडपा कोई है आसपास। आई थिंक ग्रैंडपा आ रहा था, पर वो अभी टर्न हो गया कहीं पे, यहाँ पर तो नहीं है वो। तो चलो अब मैं जो है ना चलता हूँ आगे एंड यहाँ पर देखता हूँ। एंड यहाँ पर तो ग्रैनी आ गई। भाई 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 भाई, भाई निकलो निकलो निकलो। चलो भाई फाइनली इससे तो बच गया मैं ग्रैनी से। चलो अब चकमा देना पड़ेगा मेरे को ग्रैंडपा को। ग्रैंडपा शायद ऊपर रहेगा वो सिक्योरिटी रूम के अंदर जब जाता है। तो अब मेरे को स्टन गन ढूंढनी है पहले। तो बस स्टन गन मेरे को लगता है इस वाले रूम में होगी। पर ये आ गया यार, दरवाज़ा बंद करो, अंदर छुपते हैं। चलो वेट करते हैं कितनी देर में जो है ना ये दरवाज़ा खोल के यहाँ से दफ़ा होता है। और भाई वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो हमें आई थिंक ये चला गया। चलो निकल के बैठ देखते हैं। हाँ भाई हाँ, चला गया। चलो अब हम लोग क्या करते हैं। अब और ये पीछे, ठीक है, इस रूम में जा रहे हैं ना ये। हाँ ठीक है, इस रूम में इसको जाने देते हैं। एंड हम लोग जो है ना इसके पीछे से यहाँ पे चेक करते हैं क्या यहाँ पे। तो कुछ नहीं है। शिट यार, इतनी देर से ढूंढ रहा हूँ पर कुछ मिला नहीं मेरे को अभी तक। यहाँ पर भी कुछ नहीं है। एंड मुझे लग रहा है ग्रैंडपा या ग्रैनी में से कोई आ रहा है। एंड वो शायद इसी कमरे की तरफ आ रहा है शायद। पर ग्रैंडपा तो चला गया। अभी मेरे पास यहाँ पर है स्पार्क प्लग। तो स्पार्क प्लग है तो मैं स्पार्क प्लग को यहाँ पर ड्रॉप करता हूँ एंड दरवाज़ा बंद करता हूँ। यहाँ पर भी एक हैंड व्हील पड़ा हुआ है, तो इस हैंड व्हील को भी उठाते हैं एंड इसको भी यहाँ पर ड्रॉप कर देते हैं, ताकि जो है ना ग्रैनी दो दफ़ा आवाज़ सुनकर ज़रूर यहाँ पर आएगी और वो नीचे वाली आवाज़ को नज़रअंदाज कर देगी, ऐसा मुझे लगता है। तो चलो फर्ज ने नहीं करी, ऊपर नहीं गई, यहीं पर ही आ रही थी। अब मैं होप करता हूँ यहाँ पर स्टनगन पड़ी हुई हो। और यस यस यस, फाइनली यहाँ से मेरे को मिल गई है स्टनगन। अब स्टनगन के अंदर लगाते हैं हम लोग एमओ। यहीं पर ही आ रही है ग्रैनी। चलो इससे लेते हैं स्टनगन, शूट करते हैं इसको भाई। चल भाई निकल। तो ये भाई है तो निकल लिए ग्रैनी। अब जो है ना हम लोग क्या करना है, ग्रैंडपा को मारना है जो कि इसके पीछे पीछे आई होप आ रहा होगा, और उससे लेनी है मेरे को सिक्योरिटी की। अब उसको देखते हैं कितनी देर में आता है। मुझे लगता है वो ऊपर होएगा शायद, वरना वो नीचे से भी आ सकता है, पर अभी तक वो मुझे नज़र नहीं आया ग्रैंडपा। देखता हूँ किधर से आता है वो, उसके लिए तो मुझे वेट करना पड़ेगा। पर मैं ऊपर भी नहीं जा सकता क्योंकि वो भी रिस्की काम है। आ गया, यहाँ पर भी नहीं है ग्रैंडपा, क्या सीन है। यहाँ पर भी नहीं है। शिट मैन, कहाँ है। डब्बे गिराए, पर वो तो आएगा ही नहीं डब्बों के साउंड से। आई नीड अ सिक्योरिटी की, तो लॉक है। पता नहीं कहाँ चला गया ग्रैंडपा यार। आई थिंक इधर कहीं होएगा यार, पर मैं जब तक काम करता हूँ बाकी ये चीज़ों की भी वो करनी है मेरे को। ये रहा, ये तो आ गया। अबे शूट नहीं हुआ यार। एंड एक दिन बर्बाद, और से मेरे को अभी तक स्पार्क प्लग मिला एक आइटम। तो चलो भाई चलते हैं, निकलते हैं वापस ऊपर और देखते हैं। इस दफ़ा तो मुझे लगता है मैं एस्केप कर ही लूँगा। तो चलो चलते हैं ऊपर। चलो चलो चलो, यहाँ पर
तो ग्रैंड पा शायद, पर पहले मैं जो है ना इधर के ड्रॉट्स भी चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ सर्च नहीं करा था। हेलीकॉप्टर मैनुअल, हेलीकॉप्टर मैनुअल की तो ज़रूरत नहीं है अभी। बाकी ग्रैंड पा शायद नीचे है, हाँ वो उस रूम में। तो अब मेरे को बस ग्रैनी को बुलाना है यहाँ पर। इसके लिए ड्रॉप करते हैं वाला आइटम। एंड जैन अब मैं देखता हूँ ग्रैनी जा रही है कि ग्रैनी जाएगी नीचे इसके साउंड सुन के। एंड जैसी ग्रैनी नीचे जाएगी मैं उस वक्त ऊपर भाग जाऊँगा। अब ये मेरा प्लान तो है, पर ये ग्रैंडपा ने मुझे लग रहा है बर्बाद कर दिया है, क्योंकि ग्रैंडपा मुझे साइड से पकड़ने के लिए आ गया। एंड ग्रैनी वहाँ पर आ गई। शिट 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 शिट, भाग 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 भाग, जल्दी भाग ले भाग ले भाग ले भाई भाग ले। चल 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 चल, अब नहीं डरता मैं, अब नहीं डरता। अब आ जाए कोई भी, स्टनगन मेरे हाथ में, अब तो कोई भी आ जाए मार दूंगा उसको मैं। चलो बेटा आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये ग्रैनी आ गई भाई, पहले ग्रैनी को मार दें, पास आके मर, ताकि स्टनगन के एमो लेने में आसानी हो। चलो ग्रैनी को तो मैंने डरखा दिया भाई, अब रह गए यार ग्रैंडपा। ग्रैंडपा आने दे भाई, आ जा आ जा आ जा आ जा ग्रैंडपा आ जा। यार ग्रैंडपा नहीं आ रहा है इतनी देर से, वरना तो फ़ौरन से आ जाता है ग्रैनी को, जैसे ही ग्रैनी को मारते हैं तो। पर इस दफ़ा नहीं आया। एक काम करता हूँ मैं यार, छोड़ छोड़ो ग्रैंडपा को, हम जो है ना दूसरी सर्चिंग कर लेते हैं। पर डर ये है क्योंकि पिछली दफ़ा जैसे इसने मुझे मार दिया था ना, इस दफ़ा ना मारे, बस इस वजह से मैं जो ना रुका हुआ उतनी देर से, वरना तो मैं बाकी आइटम सर्च करने कब का निकल जाता। बाकी यहाँ पर तो कोई कुछ नहीं है, कहीं हेलीकॉप्टर की जिसकी मुझे ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो इसको इसको फिर से मतलब मेरी नज़र में फिर से फालतू चीज़ मिली मेरे को। अभी जैसे मेरे को एक आइटम मिला है और बाकी ग्रैंड पा आ गए, तो ग्रैंड पा को मारते हैं भाई और इससे लेते हैं सिक्योरिटी की। अब इसको पहले डाउन करते हैं, लेते हैं सिक्योरिटी की, गन को यहाँ पे ड्रॉप करते हैं। एंड यहाँ से खोल के चेक करते हैं यहाँ पर क्या है। तो यहाँ पर कुछ नहीं, बस बोर्ड का स्टीयरिंग व्हील मिल गया मेरे को, दो आइटम मिल गए बोर्ड एस्केप के लिए। बाकी जो है ना अभी मेरे को शायद तीन आइट नहीं, दो आइटम और चाहिए, जिसमें एक बोर्ड की है और दूसरा जो है ना पैडलॉक की है। तो बस बाकी हम लोग सर्च करते हैं अभी चीज़ें, मुझे लगता है मुझे मिल जाएंगी बहुत जल्द। तो यहाँ पर तो कुछ नहीं है वैसे। चलो अभी नीचे चलते हैं एंड नीचे देखते हैं भाई क्या है नीचे। यहाँ पर कुछ मिल जाए बोर्ड के से रिलेटेड, ग्लास फ्यूज़ भाई यहाँ पर भी कुछ नहीं है। इतनी सर्च कर ली उसके बावजूद मेरे को कुछ नहीं मिला अभी तक बोर्ड एस्केप के लिए। बाकी अभी मैंने यहाँ की सारी अलमारियाँ चेक नहीं करी, तो वो भी चेक कर लेते हैं। गैसोलीन कैन, ये कैसे भूल गया मैं भाई, ये भी तो लेके जाना है। चलो चलो चलो, इसको जो है ना अभी तो मेरे को ड्रॉप करना है नीचे, एंड फिर वहाँ से मैं जो है ना इसको वहाँ बोर्ड एस्केप की लोकेशन तक लेके जाऊँगा। अभी इसको यहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं। बाकी यहाँ से मेरे को मिला है स्पार्क प्लग, इसको भी जो है ना उठाते हैं एंड इसको भी ड्रॉप कर देते हैं यहाँ पर जाके। पागल यार, ड्रॉप करते हैं यहाँ पर एंड परफेक्ट। एंड शिट 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 शिट, ग्रैनी आ गई, जम मार भाई। शुक्र भाई इसने जम तो मारी। एंड अभी इन दोनों आइटम को यहीं पड़ा रहने देते हैं। एंड अब मेरे को जो है ना सर ऊपर जाना है और अपनी स्टनगन उठानी है, ताकि मैं ग्रैनी को मार सकूं। तो उसके लिए पर मुझे लगता है वो भी मेरे को मतलब पकड़ने के लिए पीछे ही आ रही होगी मेरे। तो जब तक मैं नीचे सर्च कर लेता हूँ एंड जैसे ही मुझे वो नहीं मिल जाएगा, मतलब ग्रैनी नीचे आ जाएगी, मैं ऊपर दौड़ूंगा और अपनी स्टनगन लेकर आऊँगा। बाकी मैंने यहाँ पे डोर लॉक मुझे मिला था, मैंने ड्रॉप कर दिया, इसकी वजह से मुझे लगता है कि शायद ग्रैनी आएगी दौड़ती हुई। एंड जैसे ही ग्रैनी आएगी मैं जो है ना भाग जाऊँगा ऊपर। चलो यार बाकी शिट यार, ये ग्रैंडपा आ गया यहाँ पर, ग्रैंडपा ने सारा काम बिगाड़ दिया। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को जो है ना देखना है ग्रैनी किधर है।
ग्रैनी कहीं से आ ना रही हो, बस बाकी कुछ नहीं मतलब ही। ये ग्रैंडपा मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा, एक तो ग्रैनी कहीं और से आ रही है। यार मैंने सोचा था कि मैं इसके बिल्कुल बराबर से निकल जाऊंगा, बट ऐसा ना नहीं हो सका। डे 3 स्टार्ट हो गया है यार, बिना कुछ करे 2 दिन बर्बाद हो गए मेरे। मैंने अभी तक एक भी आइटम प्लेस नहीं करा है बोर्ड एस्केप के लिए। खैर इस दफ़ा नहीं रुकूंगा मैं, अब तो करके ही रहूंगा बस यार। पर मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ ये तो, और बार बार वेस्ट हो रहा है। मतलब अभी तो एक काम करते हैं, इस दफ़ा ग्रैनी यहाँ से आएगी ना, ग्रैंडपा को वहाँ से बुलाते हैं। ग्रैनी ने आवाज़ सुनी है कि ग्रैनी को भी आने देते हैं। ग्रैंडपा वहाँ पर रह गया, अब उसको जो है ना उसको चकमा देना आसान है। ग्रैंडपा को ग्रैनी जब पकड़ लेती है ना तो फिर तो बहुत मतलब हो जाता है। बाकी ग्रैनी यहाँ से आ चुकी है, ग्रैंडपा यहाँ से आ चुका है, अब मुझे चकमा देना है। इस दफ़ा नहीं मरना, इस दफ़ा नहीं मरना। अंदर घुस जाते हैं, शुक्र भाई बच गया, इस दफ़ा तो बच गया। चलो उसको देखते हैं, तो अभी यहीं पर ही खड़ी हुई है, अभी तो निकलना फालतू है बिल्कुल। अगर अभी निकला तो फिर मर जाऊंगा, तो चलो बस अभी वेट करते हैं इसके जाने का। एंड मुझे लगता है चली गई, एंड अब मैं जाता हूँ ऊपर और अपनी स्टनगन उठाता हूँ। भाई इतनी देर से फंसी हुई ऊपर, इसकी वजह से जो है ना मैं बाकी स्केप भी नहीं कर पा रहा, मतलब बाकी आइटम भी कलेक्ट नहीं कर पा रहा जाके। बाकी मैंने यहाँ की ड्रॉइंग चेक करी अभी तक, यहाँ पर कुछ है नहीं। और बाकी ग्रैनी आ गई है तो इसको भाई लगे हाथ मार ही देते हैं। चल भाई निकल, अब इसने स्टनगन का एमओ यहाँ पर ड्रॉप करी है। अब ग्रैंडपा आने वाला रहेगा तो ग्रैंडपा को मारेंगे, अगर वो आ गए थोड़ी देर के अंदर तो मार देंगे, अन्ना फिर जाना है मेरे को जो है ना ऊपर, ऊपर से जो मेरे को आइटम मिलेगा उसको फिर यूज़ करना है एस्केप के लिए। बाकी अभी सिर्फ 2 ही आइटम रह गए हैं, इसको तो मैंने मार दिया, जिसमें जो है ना एक तो है की और दूसरा है स्टेयरिंग व्हील, तो मेरे को मिल गया तो स्टेयरिंग व्हील नीचे ड्रॉप कर देते हैं। एक की है और एक पैडलॉक की, ये दोनों ही चाबियाँ हैं जो नहीं मिली मेरे को। चलो बाकी एक काम करते हैं, इन दोनों को इन तीनों चीज़ों को तभी मैं पहुँचाता हूँ नीचे वाले फ्लोर तक। यहाँ से डायरेक्ट चले जाएंगे बोर्ड तक। तो अभी एक आइटम मैंने फेंक दिया है, दूसरा उठाते हैं, इसको फेंकते हैं, एंड अब तीसरा उठा के उसको डालते हैं। चलो यार ये डालते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं ऊपर। सिर्फ मैंने 3 आइटम अभी तक ढूंढे हैं, एंड अभी भी मेरे को जो है ना बहुत सारे आइटम सर्च करने हैं। तो चलो पहले तो रेंच वाला काम भी कर लेते हैं अगर हम नीचे ही आए हुए हैं तो, पर मेरे को उसके लिए स्टनगन ऊपर से लानी होगी। और मैं चाहता हूँ अभी जब तक मेरे को 2 और कोई आइटम मिले उससे पहले यही काम कर लेते हैं, क्योंकि सामने ही है बिल्कुल। तो अभी मैंने इसको खोल दिया रेंच से, अब जो है ना देखते हैं भाई यहाँ पर आने के लिए मतलब मुझे स्टनगन की ज़रूरत है इसको मारने के लिए, तो मुझे स्टनगन लेकर आनी पड़ेगी ऊपर से, क्योंकि अभी मैं स्केप कर भी नहीं सकता, ना ही मेरे को कोई ऑप्शन है और करने के लिए, क्योंकि ना ही मेरे पास कोई जो है ना कटिंग प्लायर्स हैं जिससे मैं डब्बे वगैरह खोल के चेक कर सकूं। बाकी मैं ऊपर चल लेता हूँ, एक रूम है जिसके अंदर जो है ना अलमारी होती है, उधर आइटम मिलता है तो उधर देखते हैं भाई क्या है। क्रोबार, तो अच्छा आइटम मिल गया मेरे को, ठीक है तो क्रोबार को उठा लेते हैं। एंड अभी देखते हैं अगर ग्रैनी आई है तो फिर मैं इसको ड्रॉप करता हूँ, और इसके नॉइस से अगर ग्रैनी आ गई तो ठीक है, अगर नहीं आई तो फिर क्रोबार ड्रॉप करके उसको बुलाना पड़ेगा अभी। बाकी मैं सोच रहा हूँ ऐसे ही चला जाऊँ क्या करूँ, अभी तो नहीं आई यार ग्रैनी आवाज़ सुनकर। बाकी वेट कर लेते हैं, थोड़ी देर में आ जाएगी, 10-15 मिनट में, 20 मिनट में, मजाक कर रहा हूँ भाई, इतना वेट नहीं करेंगे। आ गई, देखो मुझे लग ही रहा था इसलिए मैं नीचे नहीं गया, तो उसको तो मारते हैं धक्का लगाते हैं। अबे मैं भी इसी आते नीचे आ गया, चलो इसको धक्का इससे लेते हैं। एमओ किधर फेंकी इसने, ये रही एमओ मिल गई, अब देखते हैं ग्रैंडपा आता है या नहीं।
चलो यार, ग्रैंडपा भी आ गया, इसको भी लगाते हैं भाई। इसको भी मार दिया, इससे लेते हैं एमओ। गन को यहाँ पे ड्रॉप करते हैं, अब लेकर आते हैं अपना क्रोबार। ऊपर से क्रोबार को खोल के चेक करते हैं भाई, मतलब क्रोबार से डब्बे खोल के चेक करते हैं क्या 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 चीज़ें मिलती हैं भाई हमारे को। ये रहा क्रोबार दो। अब यहाँ से नीचे चलते हैं, देखते हैं क्या आइटम मिलता है ऊपर वाले डब्बे से। कुछ अच्छा ही मिले, मतलब स्केप के मुताबिक, ये ना फालतू चीज़ मिल जाए कोई। चलो डक टेप फालतू, मैंने बोला ही था कि कोई फालतू चीज़ ना मिल जाए, और कोई फालतू चीज़ ही मिली, डक टेप। हेलीकॉप्टर स्केप का सारा सामान मुझे लग रहा है तकरीबन मिल गया। ग्लास फ्यूज भी मिल गया, वो भी मिल गया, क्या कहते हैं, हेलीकॉप्टर की मैनुअल भी मिल गया, डक टेप भी मिल गई, और गैसोलीन कैन भी मिल गया, सब कुछ ही मिल गया उसका। तो बाकी यहाँ पे क्या है, सेफ की। चलो इसको सेफ ही खोल लेते हैं अब। ये तो मैंने देख लिया कि जैना दो ही डब्बे थे, वो खोल लिया ना दोनों। बाकी यहाँ से मेरे को मिल गए कटिंग प्लायर्स फाइनली, इतनी देर बाद कुछ तो आइटम मिला स्केप के मुताबिक, मतलब स्केप के मुताबिक तो नहीं, पर इससे मैं कुछ तो कर सकता हूँ, ऊपर जाके वो खोल सकता हूँ, क्या कहते हैं, रूम के अंदर एक वो होता है डब्बा, उसके अंदर जो है ना आइटम मिलता है, तो वहाँ पे मैं जा सकता हूँ। तो अभी कटिंग प्लायर यहाँ पे ड्रॉप करते हैं, एंड नीचे जाता हूँ, एंड नीचे से जो है ना अपनी स्टनगन उठा के लेकर आता हूँ। चलो स्टनगन उठाते हैं अपनी, एंड चलते हैं वापस से ऊपर। यहाँ पर वैसे मैंने कुछ देखा था या नहीं पता नहीं, याद नहीं था, खोल के देख लिया पर खाली थी दराज, जैसा भी मेरे साथ हो रहा है, खाली खाली चीज़ें मिल रही है, दराज भी खाली थी। बाकी यहाँ से क्या मिलता है, बोर्ड की। तो फाइनली एक और आइटम मिल चुका है भाई स्केप के लिए, पर अब भी मैं स्केप नहीं कर सकता क्योंकि मेरे को पेडलॉक की नहीं मिली है। तो चलो अब मैं जो है अपनी कटिंग प्लायर उठाता हूँ, एंड कटिंग प्लायर्स का काम तो कर कर आए हैं, शायद यहाँ से पेडलॉक ही मिल जाए और एक ही जगह से दो काम हो जाए मेरे। बाकी सोच तो ऐसा ही रहूँ, बाकी देखते हैं। डोर हैंडल, तो ये तो मेरी नज़र में बिल्कुल ही फ्लॉप आइडिया हुआ यहाँ पे देखने का, एंड कोई फ़ायदा नहीं हुआ मेरे को यहाँ पे देखने का, क्योंकि जो है ना ये चीज़ कोई मतलब इतनी इस चीज़ की तो ज़रूरत ही नहीं है मेरे को। डोर एस्केप कहाँ कर रहा हूँ मैं, बस एक पेडलॉक की रह गई अब तो, बस पहले ग्रैनी ग्रैंडपा को मारता हूँ, उसके बाद फिर लेकर आते हैं, मतलब सर्च करते हैं पेडलॉक की, जो कि मुझे लग रहा है स्पाइडर के पास ही होगी अब तो 125%, क्योंकि वो जो चीज़ है ना, मतलब वो स्पाइडर है क्या है, उसके पास मैं अभी तक नहीं गया हूँ, बस बाकी सारी जगह मैं सर्च कर चुका हूँ, तो उसी को देखना पड़ेगा अब जाके। चलो यार ग्रैनी ग्रैंडपा आ जाए, इनको तो मारूं, क्योंकि अब मेरे से 2 दिन बाकी हैं और मैं अपना रिस्क में नहीं डालने जाता कोई भी दिन। अब मैं बिल्कुल जो है ना सेफ्टी से खेलना चाहता हूँ पूरे गेम को। तो भाई देखते हैं कितनी देर में आती है ग्रैनी। तो ये देखो भाई आ गई भाई, शुक्र है। चलो इसको मारते हैं भाई, अब देखते हैं ग्रैंडपा आ रहा है या नहीं। ग्रैंडपा मुझे लग रहा है आ रहा है, आए तो उसको भी मारें और उसके बाद चलते हैं नीचे। चलो यार आ जाए यार ग्रैंडपा, इतना टाइम क्यों वेस्ट कर रहा है। एंड वेस्ट करे, ये भी आ गया है, इसको भी मारते हैं, इससे लेते हैं एमओ। यार एमओ किधर गिरा दी इसने, ये एमओ उठाई, एंड नाउ जो है ना हम लोग चलते हैं नीचे। तो ये भी साथ साथ किधर अटक गया पैरों में, साथ साथ आ रहा है उड़ता हुआ मेरे साथ। अब मारते हैं इसको, ये जो है ना क्या बोलूँ मैं इसको, आ नहीं रही, क्या खाना खा रहा है, क्या खा रहा है पता नहीं। चलो इसको मारते हैं, शिट एमओ गई, एमओ फंस गई मेरी, क्योंकि जो है ना मैंने शूट कर दिया था गन से, एंड इसको थ्रो करा था, पर इसने मुझे लग रहा है कि काम नहीं होगा, तो दौड़ कर यहाँ पर आ गया यार। अब इसके पास मैं एमओ भी लेने नहीं जा सकता, क्या करूँ, अब तो ले लूँगा इससे ग्रेनेड लूँगा यहाँ से, एंड से ना यहीं से ही इसके पास थ्रो कर दूँगा,
बस अब तो रहते हैं दूर यहाँ से खड़ा। मर गया भाई, मर गया, फाइनली मर गया ये तो। चलो मर गया है ना, अब जो है ना बस मैं उठाता हूँ यहाँ से पेडलॉक की एंड यहाँ से निकलता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है मेरे पास ना ही वेपन है कोई, और ये स्टन गन थी, कभी कुछ ख़राबी हो गई क्या, एमओ गायब हो गई, गन पड़ी हुई है सिर्फ, तो इसलिए अब मैं जो ना सीधा नीचे भागता हूँ, कुछ नहीं कर सकता। और मैं चलो 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 नीचे भागते हैं एंड इस पेडलॉक की को यूज़ करते हैं एंड बाकी सारे आइटम तो मेरे को मिल चुके हैं। मैं क्या करता हूँ बस जो है ना एस्केप के लिए जो जो काम करना है ना मेरे को, मैं वो करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ग्रहणी आ रही है यहाँ पर। बस मेरे को अब अपनी कहते हैं चाबी लेकर आनी है ऊपर से जल्दी से जाके, उसके बाद बस मैं लगाने के ऊपर फोकस करूँगा, चीज़ें आइटम लगा लगा के बस फिट करने की कोशिश करूँगा और बस कुछ नहीं। तो बस चाबी लेकर आते हैं अपनी, अब बस बिल्कुल मरे बिना जाना है मेरे को और वापस भी आना है, क्योंकि ग्रैनी और ग्रैंडपा भी आ चुके हैं और जो है ना मेरे को अपनी लाइफ भी नहीं मतलब बर्बाद करनी, पर ये दोनों चाहते हैं कि मैं मर जाऊं। दोनों ने अलग अलग खेल लिया एंड मेरे को मरना पड़ा। डे फोर स्टार्ट हो गया यार। शिट 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 क्या बोलूं यार मैं, बस दोनों ने अलग अलग जगहों से घेर लिया मेरे को, एक इधर से आ गया एक उधर से आ गया, तो मैं कुछ कर ही नहीं पाया। पर मेरे को अभी समझ आया कि मैं जो है ना टेबल के नीचे भी घुस सकता था, जो उस वक्त मुझे कन्फ्यूजन में समझ ही नहीं आया और मैं कर नहीं पाया। चलो खैर अब तो नहीं मरूंगा, बस अब जाना है, क्योंकि अब मरा तो बस गेम ख़त्म है एक तरीके से। डोर लॉक मैंने नीचे ड्रॉप कर दिया है, अब मेरे को जो है ना नज़रों से गायब हो जाना है इन दोनों की। बाकी जब ग्रैनी आएगी तो फिर मेरे को ऊपर भागना है एंड वो चाबी लेके नीचे भाग जाना है बस, उसके बाद जो भी है उससे मेरा कोई मैटर नहीं है। बाकी ग्रैनी तो यहाँ पर खड़ी हुई है, ग्रैंडपा का पता नहीं मेरे को। बस अब मैं जाता हूँ ऊपर सीधा, किसी को ढूंढने की ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि मेरे पास ना ही कुछ वेपन है ना ही कुछ है। तो बस अब उठाते हैं अपनी चाबी जो कि थी यहाँ वाली ड्रॉर में, इसको उठाते हैं एंड भागते हैं बस नीचे, बस अब कुछ नहीं करना है। चलो यहाँ से नीचे आ गया, अब यहाँ से भी नीचे चलते हैं, इसको दरवाजे का बंद करते हैं, इसको यहाँ ड्रॉप कर देते हैं चाबी को, ताकि वो नॉइस से यहाँ पर आ जाए ग्रैनी। उसके बाद आगे का ही काम करेंगे, पहले तो बस ग्रैनी को यहाँ पे बुलाना था, अब दूसरा काम ये मुझे जाना है नीचे दौड़ते हुए बगैर ग्रैनी को नज़र आए, क्योंकि ग्रैनी को अगर मैं नज़र आ गया तो पर काम बिगड़ जाएगा। अभी बस मेरे को जाना है नीचे जाना था, पर ग्रैनी को दिख गया मैं गलती से। ग्रैनी को क्यों दिखा यार, पागल है। चलो खैर दिख गया, अब तो छुपना पड़ेगा, बस देखता हूँ ग्रैनी चली गई तो फिर मैं बाहर बस जाऊँ जल्दी से स्केप करूँ यार। हाँ नीचे तो नहीं आई वो, आ गई आ गई आ गई यार, शिट नीचे आके बैठ गई। बस अब ये जाएगी थोड़ी देर के अंदर ऊपर, वेट करता हूँ, मुझे लगता है थोड़ी देर में चली जाएगी, मैं बाकी निकल के देखता हूँ उसको, क्योंकि मैं दिखा तो हूँ नहीं कि मैं किधर गया, तो बस यहीं यहीं पर घूम के वापस ऊपर चली जाएगी। बाकी देख लेते हैं दफ़ा चली गई या नहीं। नहीं यार चलो 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 जाने देते हैं इसको, कितनी देर में जाएगी देखते हैं। तो भाई शुक्र है ऊपर तो चली गई है, अब मैं नीचे जाता हूँ एंड दौड़ते हुए जाता हूँ और जो है ना बस आइटम लगाना शुरू करता हूँ अपने, कहते हैं सबसे पहले शेट चाबी गिरा दी, अभी तो वो ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ी थी, अब जल्दी जल्दी सारे आइटम लगाने पड़ेंगे। स्पार्क प्लग उठाते हैं, स्पार्क प्लग लगाते हैं, बस 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 गैसोलीन से भरो, पेट्रोल भरो भाई पूरा, जल्दी भर जा जल्दी भर जा यार, ग्रैनी आ रही है पीछे यार, जल्दी भर 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 भर। पता था मेरे को, पता था कि मैं मर जाऊंगा, क्योंकि ग्रैनी आ रही थी और दो दफ़ा मेरे मतलब फिल करते करते हाथ अट गया मेरा।
एंड 2 दिन इस तरह वेस्ट हो गए, मतलब लास्ट डे भी मतलब वेस्ट होने हो गया, बस लास्ट डे पर आ गया गेम। अब जो है ना मेरे को स्केप कर लेना है, वैसे स्केप तो पूरा कंप्लीट ही था, बस गैसोलीन से हल्का सा बढ़ना था और चाबी लेके भाग जाना था, पर मैं उठा नहीं पाया चाबी, उससे पहले ही ग्रैनी आ गई। बाकी मैं इसको कंप्लीट करता हूँ भाई, इसको ड्रॉप करते हैं यहीं पर ही, एंड अब चाबी उठाते हैं, बोट में बैठते हैं, निकलते हैं यहाँ से। शुक्र है भाई स्केप कर लिया, पर यार ये अच्छा नहीं हुआ कि जेना एंड में जो ग्रैनी ने कर मतलब ग्रैनी ने मारा ना, मेरा स्केप बहुत पहले हो जाता पर ग्रैनी की वजह से नहीं हो पाया। बाकी गेम हो चुका है एंड, वीडियो भी हो चुकी है एंड। वीडियो कर दे ला के लाइक, चैनल कर दो सब्सक्राइब और बैल, ताकि तुम लोगों को ऐसी रिलेटेड ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के रिलेटेड नोटिफिकेशन मिल जाएँ। बाकी मैं मिलूँगा तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।